YouTube पर हमेशा कुछ न कुछ देखते रहते हैं। अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो विशेषकर महिलाएं एक चैनल जरूर देखती हैं, जिसका नाम है पूनम राजस्थानी, जो अपने अपनी बातों से लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देती हैं। मारवाड़ी भाषा में, देसी ठाठ भाषा में वो हमेशा अपने ब्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, और अब ये संगीत के दुनिया में भी चली गई हैं और कई मंचों पर भी अपना काम कर चुके हैं। आज हमारे साथ पूनम राजस्थानी है। पूनम जी, गुड्डू के पापा कहाँ हैं? घरे आए नहीं आज? नारियों लगा राजस्थान, पूनम राजस्थान, और घर में सास है, ससुर है, और तीन ननंद है और एक देवर है। आपका पीर पीर कहाँ? पीर है तेजमहल का, जैसलमेर जिले में। अच्छा पूनम, एक चीज लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि पूनम को हिंदी नहीं आती है, इसलिए मारवाड़ी में बोलते। नहीं, हिंदी उसकी पूरी आती है, उसकी मारवाड़ी में तो वैसे ही लोगों को हंसा दे। भाई देखो, हिंदी मुझे पूरी आती है, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा ही डायलॉग बोलना पड़ता है तब लोगों को, ताकि लोगों को मतलब। अच्छा, तो कॉमेडी के अलावा घर में क्या क्या काम रहता है? बच्चे पढ़ा, बच्चों को ध्यान रखना, ये सारी चीजें करना। कॉमेडी देखो, थोड़ा ही बहुत ध्यान है कि अपने एक की कॉम है कि घर रो कॉम है, कूटर कॉम क्या है? कॉम तो नहीं है भाई, कॉम गणो ही है। हां, बीजो कॉम लगा तो हैं क्या, मैं तो दिन हैं कॉम करे करे आला पे, तो ही मनो अपने कॉम बढ़ाता है। ये मेरा कॉम है, कॉम कॉम भाई गणो ही हूं, तो ये घर रो कॉम गणो ही है। कॉम ना कहीं थोड़ा छोड़ो, हूं आप जाने कहीं वीडियो माते ध्यान दे, क्योंकि ये मैं पहचान हो जावे और अपने भी मतलब घर पहचान करो का कमाई करो। भाई देखो, पहला तो मारे कोई कमाई नहीं, मतलब तो हकीकत बताऊं तो पहले यूट्यूब आके आई तो मैंने सिर्फ शौक हतो, पर पछे के कहियो भाई मार पैया भी आवे तो मैं ठीक है। तो जो हां मतलब घर आलो कहीं वीडियो मा तो बहु के रे लगे नणो आ है बड़ो हारो, तो हां आयो तो हां पछे एक भी बार आयो तो ही मन नहीं कोन बात, आखिर में एटीएम में मार देवो न दियो। मैं घर सासू जी रे सामने उठाई लिया है रुपया, रुपया उठा लिया जी, हां जी विश्वास हो जदे हमें बना के बोरी भरा जी आई जाओ और वीडियो बना कर अच्छी कमाई हो जाए, बढ़िया कमाई। हां कमाई अच्छी हो जाए। एक चीज बताओ कि कई बार लोग ये भी क्या करे कि जी जो आप वीडियो बनाते हैं कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, तो ये ऐसी कभी चीजें आपके सामने आई है, सामना करना पड़ा है? ना ना, विरोध कहीं को नहीं, हूँ कॉमेडी करा, लोग ही मजाक बनावे और भले बनाओ, हूँ आप मजाक ही करो लोगों में आहाड़ आ शुरुआत कर दी है, कहीं ना कहीं सिंगर बनने की ख्वाहिश है? हाँ सिंगर भाई, कोशिश पूरी है और नसीब के ले जाओ जान पड़े। परिवार करे फिर भी हकरे काम रे लिए मैं काम कर, और हकरे काम करना भी चाहिए। अच्छा, बच्चा बच्चा पढ़ाई कर रहे? हाँ भाई पढ़ाई, पढ़ाई के मामले में ठीक ही कहना चाहूं, पढ़ाई कितनी जरूरी है अपने जीवन में? भाई पढ़ाई तो जरूरी है ही, हर जगह में जैसे देखो ये अटपट सवाल पूछो तो हूं थोड़ी हिचकिचाओ के हिंदी में कोई नहीं समझावे, पढ़ाई तो मेन जरूरी है, और वो तो मैं हाथ में पटू लियो भाई, हर काम करा ये यूट्यूब में पाड़ो तो तू हर चीज में। एक सवाल मारो, कॉमेडी के अलावा किस चीज अलावा एक समाज रे वास्ते का पूछ रहे हो? जी जी, की आज रे जमाने में अगर बाढ़ में बात करो तो महिलाओं जो है आत्महत्या करती है। जी जी, और अपने बच्चों ने दिले ला आत्महत्या। हां हां, एड़ी की चीज है मन महिलाओं की करो जो थे और दिमाग रे बिना की होना चाहिए भाई? यो है कि आत्महत्या महिला हम करे है तो परेशान हो ही करे परिवार में, घर में, और ये तो परंपरा है बड़ी चीज कि जीत बाधा जी छूटना। एक बार पहला बच्चे भाई वो थी उम्र कट ली चाहे दुख हो या सुख, अगर वो माइटर जाए के हुए तो माइटर यहाँ के हुए एक बेटा थे तारी उम्र वो निकल गई, हमें तो ना मारे तो तारे तो ये गलती है बड़ी माइटर यो नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, अगर सपोर्ट करना चाहिए करना चाहिए, और इतने महिला मर रही है क्योंकि दुनिया की वजह मर। अच्छा, उम्र ना कहीं भी है संदेश देना चाहो महिला जो परेशान है कि मरनो एक हल नहीं है, उम्र नहीं है इसको मरनो नहीं, हो मुड़नो चाहे कहीं भी हो, अगर वो आज हो मुड़ता है एक बार तो इज्जत करनी चाहिए, और बिना बार तो अपने माथा कूट कर तो
भाई जाओ थोड़ा भिड़ोड़ा रिपोर्ट करो और अपने खुद लिए लड़ो मरू कर मरने कहीं को मरने पर यो कही के ए लुगाई यो थी यो कोई दुखे मर लिए। अच्छा हमारे साथ एक और बारमेर की महिला है जो महिलाओं के लिए आदर्श है डॉक्टर प्रियंका चौधरी मैम। इस प्रकार लगातार जो आगे आ रही है बारमेर के लिए देखिए बारमेर की को देखते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद वो अपनी आज आवाज उठा रही है और पूरे बाड़मेर का नाम केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमा रही है और औरतों को महिलाओं को सबको एक संदेश दे रही है। मैं मानती हूँ कि हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि जब गांव से ही आवाज़ उठती है गांव की एक महिला की आवाज़ निकलती है तो मैं मानती हूँ कि पूरे समाज में बदलाव हो सकता है पूरे विश्व में बदलाव हो सकता है। हमारे एक अभियान चल रहा है कि जिले में जिस प्रकार से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बाद उसको लेकर हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप एक महिला के नागरिक को सब महिलाओं को क्या कहने चाहिए जो